हे हाय एवरीवन सो इस सेशन में हम लोग इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं और उनमें कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना बेसिकली पाए जाते हैं पहली बात तो नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है आई जो कैटेगरी टू है उसमें ये लिस्टेड है आईयूसीएन कैटेगरी टू किसी भी जैसे फ्लोरल फोनल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया जाता है इंडिया में पहला जो नेशनल पार्क है वो 1936 में डिक्लेयर किया गया था ये बेसिकली फर्स्ट नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है इंडिया का जो स्मोलेस्ट नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन आइलैंड जो है साउथ बटन आइलैंड साउथ बटन आइलैंड इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है लार्जेस्ट है साउथ बटन जो है ये इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल नेशनल पार्क है ये पाया जाता है साउथ बटन आइलैंड पाया जाता है इसमें क्या कहते हैं अंडमान निकोबार के अंदर अब अंडमान निकोबार के इंपोर्टेंट आइलैंड्स हम लोग इंपोर्टेंट पार्क हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सॉरीप आई गेस Uh, मैंने जस्ट बाउंड्री ब्लैंक मैप निकाला था तो उस वजह से यहाँ पर क्योंकि आइलैंड्स वगैरह नहीं दिखाई गई हैं तो इसलिए अंडमान निकोबार की लोकेशन नहीं दिखाई गई है अंडमान निकोबार में जो नेशनल पार्क हैं एक तो कैंप बेल बे नेशनल पार्क है कैंप बेल बे इसके अलावा यहां पर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और इसके अलावा यहाँ पर माउंट हेरिएट नेशनल पार्क है माउंट हेरियट नेशनल पार्क और एक यहाँ पर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है कैम्बेल बे है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है माउंट हेरियट है और रानी झांसी नेशनल पार्क है यहाँ के जो इंपोर्टेंट फ्लोरा है ना जैसे सी टर्टल्स वगैरह कोरालस वगैरह ये सब ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं और इसमें जैसे बटरफ्लाई के भी हॉटस्पॉट्स हैं बहुत सारे और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए काफी फेमस है अंडमान निकोबार आइलैंड और बहुत सारे जैसे सी वॉटर क्रोकोडाइल्स यहाँ पर पाए जाते हैं वाइल्ड पिग भी बेसिकली यहाँ पर पाया जाता है मेनली यही सब आपको याद रखना है उसके बाद आंध्र प्रदेश के अगर नेशनल पार्क्स डिस्कस करें तो पापी नेशनल पार्क है ये एक बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है फिर एक राजीव गांधी नेशनल पार्क है जो कि जिसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोला जाता है ये पेन्ना रिवर के नॉर्थ में लाई करता है इसके नीचे से पेन्ना रिवर फ्लो करती है इसके अलावा यहाँ पर एक श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क ये है ना शेषाचालम हिल्स वाले एरिया में है शेषाचालम हिल्स वाला जो एरिया है उसमें और यार ये रेड सैंडर्स के लिए काफी फेमस है रेड सैंडर्स जो लकड़ी होती है बेसिकली जिससे काफी मतलब एक तरह से एक्सपोर्ट भी की जाती है काफी दिखने में फर्निशिंग एंड ऑल बहुत अच्छी होती है रेड कलर की होती है यहाँ पर मेनली लेपर्ड पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है ना इसमें लेपर्ड हो गया या फिर एंटीलोप हो गए डियर हो गए या फिर भालू भी पाए जाते हैं और इंडियन गोल्डन गेको भी पाई जाती है किंग कोबरा भी पाया जाता है तो नॉर्मल से स्पीसीज यहाँ पर पाए जाते हैं बेंगोल टाइगर भी पापीकोंडा में बेंगोल टाइगर भी पाया जाता है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक तो मॉलिंग नेशनल पार्क है और एक नामडाफा नेशनल पार्क है नामडाफा टाइगर रिजर्व भी है नामडाफा मेनली यहाँ पर रीसस मकाक के लिए काफी फेमस है पूछ सकते हैं जैसे रिसस मकाक सिर्फ और सिर्फ नामडाफा में पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में नामडाफा में इसके अलावा एक मॉलिंग नेशनल पार्क है आसाम में जो नेशनल पार्क है एक तो डिब्रू साइ नेशनल पार्क है डिब्रू साइ नेशनल पार्क इसके अलावा यहाँ पर एक काजीरंगा नेशनल पार्क है काजीरंगा आसाम के अंदर इसके अलावा यहाँ पर एक मानस नेशनल पार्क है मानस के अलावा यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क है और एक यहाँ पर ओरंग नेशनल पार्क है सो दिब्रू साइकोआ काजिरंगा मानस नामेरी ओरंग ये सारे आसाम के नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर मानस काफी फेमस है जैसे मानस में एक पिग्मी होग पिग्मी सिर्फ यहाँ पाया जाता है हेयर पाया जाता है नामेरी टाइगर रिजर्व भी है बेंगोल टाइगर पाया जाता है वहां पर क्लाउडेड लेपर्ड भी पाया जाता है ओरंग रिवर के पास से धनसिरी ओरंग टाइगर रिजर्व या ओरांग नेशनल पार्क के पास से धनसिरी रिवर फ्लो करती है ध्यान रखिएगा धनसिरी रिवर फ्लो करती है और मानस क्या के ना बेसिकली दो वो है दो तरह से डिवीज़न है जैसे मानस यहाँ पर एक्चुअली तो इसका जो भूटान एक भूटान में जो इसका पार्ट है उसको रॉयल मानस नेशनल पार्क बोलते हैं और जो इंडिया में पार्ट पार्ट है उसको मानस नेशनल पार्क बोलते हैं मानस पिग्मी हॉक के लिए काफी फेमस है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है काजीरंगा नेशनल पार्क और दिब्रो साइकोवा है बाकी तो नॉर्मल स्पीशीज मिलती है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है तो यहाँ पर गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है ज्यादा कुछ खास नहीं है बिहार में नेशनल पार्क है नहीं उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क है ना एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में एक कांगेर घाटी नेशनल पार्क है कांगेर घाटी इंद्रावती मेनली याद रखिएगा इंद्रावती राइट इंद्रावती रिवर है ना ट्रिब्यूटरी बनती है पर बताना किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है कमेंट सेक्शन में ये छत्तीसगढ़ के यहाँ ज्यादा कुछ खास स्पीसी मिलते नहीं है बफ़ेलो एंड ओल ये सब तो नॉर्मल है गोवा में जो नेशनल पार्क है एक तो मोल्लम नेशनल पार्क है जो दूध सागर फॉल्स है ना वो इसी नेशनल पार्क के आस है एक महादेव टेंपल जो कदम्बा आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर कदम डायनेस्टी का जो आ, बेसिकली महादेव टेंपल है जो उस टाइम कंस्ट्रक्ट करवाया गया था वो यहीं पर इसी नेशनल पार्क के आसपास है मोलम नेशनल पार्क गोवा के अंदर है गुजरात में एक तो ब्लैक बग नेशनल पार्क है जो कि ब्लैक बग्स के लिए फेमस है एक गिर नेशनल पार्क है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सिर्फ और सिर्फ अकेला नेशनल पार्क है जहां पर एशियाटिक लाइन पाया जाता है इसके अलावा यहाँ पर मरीन नेशनल पार्क है इसके अलावा यहाँ पर गल्फ ऑफ कच नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी है ये फेमस है जैसे डुगोंग्स के लिए कोराल्स के लिए ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए और सी टर्टल्स के लिए मेनली क्योंकि कोस्टल एरिया है ना गल्फ ऑफ कच्छ रीजन इस तरह से तो मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है और एक ब्लैक नेशनल पार्क फिर तो हरियाणा में तो हरियाणा में एक आपका कालेसर नेशनल पार्क पाया जाता है और एक आपका पाया जाता है ये सुल्तानपुर सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर एक तो कालेसर नेशनल पार्क है और फिर एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये शिवालिक्स के हिल्स में बेसिकली लोकेटेड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क को अभी रामसर साइट डेडिकेट किया गया है रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया है ये चीज याद रखना इसके ना हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में एक तो खीर गंगा नेशनल पार्क है खीर गंगा नेशनल पार्क और एक पिन वैली नेशनल पार्क है पिन वैली जो एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट भी है बाकी हिमालय के जो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश मेनली फेमस है स्नो लेपर के लिए ब्राउन बियर के लिए और नीलगिर सॉरी टार के लिए नीलगिरी टार नीचे भी पाया जाता है और मस्क डियर इन सब के लिए फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में एक दचिगम नेशनल पार्क है द चिगम जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज है जो सिर्फ यहाँ मिलता है अंगुल जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है बाकी यहाँ पर लेपर्ड वगैरह पाए जाते हैं इसके अलावा किश्तवार नेशनल पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में भी है में है इसके अलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो कि डल सॉरी सलीम अली नेशनल पार्क है एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो गोवा में है यहाँ पर सलीम अली नेशनल पार्क है जो कि डल लेक के पास सिचुएटेड है इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक अकेला जो नेशनल पार्क है वो बेटला नेशनल पार्क है टाइगर्स वगैरह वगैरह एलिफेंट्स वगैरह ये सब मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं कर्नाटका में एक अच्छी नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर टाइगर लेपर्ड एलिफेंट एक्सेट्रा एटस, एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है बांदीपुर नेशनल पार्क जिसमें चीतल बेंगोल टाइगर सांबर डियर एलिफेंट ये सब पाया जाता है फिर एक बनेर नेशनल पार्क है बनेर घट्टा जो कि टाइगर बियर डियरिंग सबके लिए फेमस है एक कुद्रे मुख नेशनल पार्क है कुदरेमुख का एक चीज याद रखना यहां से तीन मेन रिवर्स फ्लो करती हैं एक तो तुंग है एक भद्रा है एक नेत्रावती है तुंग भद्रा आपने सुनी होगी किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है बनती है बताना कमेंट सेक्शन में तुंग भद्रा और नेत्रावती यहीं से ओरिजिनेट होती है कुद्रे मुख से फिर एक यहाँ पर नागरकोल नेशनल पार्क है जहां पर बेंगोल टाइगर लेपर्ड स्लोदीअर ये सब पाया जाता है केरला के नेशनल पार्क्स की बात करें तो केरला में आपके पास एक तो अनायमुदी नेशनल पार्क है अनायमुदी शोला और फिर एक इराविकुलम नेशनल पार्क केरला के और रिमेनिंग जो नेशनल पार्क्स है ना रिमेनिंग स्टेट्स के वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि काफी कुछ है बताने को लेकिन सेशन का ड्यूरेशन कम है तो हाँ ये पार्ट वन है इसका पार्ट टू आएगा उसमें हम लोग रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के नेशनल पार्क्स कवर करेंगे टिल देन बाय केयर कल वीडियो वो अपलोड हो जाएगा